आज हम कंटिन्यू करते हैं लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि कैसे बनाते हैं उनको। आज उसी लाइन में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं लीनियर इक्वेशंस। तो हमने देखा था कुछ रूल्स कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये पहले ही हम आपको एक एक्सरसाइज दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर वन है एक्स प्लस फाइव इक्वल टू 12। क्वेश्चन टू मतलब फाइंड एक्स। क्वेश्चन टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू माइनस टू। क्वेश्चन थ्री एक्स माइनस सेवन इक्वल टू सिक्स। क्वेश्चन फोर एक्स माइनस टू इक्वल टू माइनस फाइव। क्वेश्चन फाइव थ्री एक्स माइनस फाइव इक्वल टू 13। क्वेश्चन सिक्स फोर एक्स प्लस सेवन इक्वल टू 15। क्वेश्चन सेवन एक्स अपॉन फाइव इक्वल टू 12। क्वेश्चन एट थ्री एक्स अपॉन फाइव इक्वल टू 15। क्वेश्चन नाइन फाइव एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 8। क्वेश्चन टेन टू एक्स माइनस वन इक्वल टू 11। तो ये है पहली एक्सरसाइज जिसको आपको सॉल्व करके आंसर देने हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अगला कंसेप्ट देखते हैं हम। जैसे जब दोनों साइड में x हो, सपोज आपके पास क्वेश्चन है 5x माइनस थ्री इक्वल टू x प्लस 17, तो हम क्या करें? तो सबसे पहले इसमें से x को लेफ्ट में शिफ्ट कर दें इसको साइन चेंज करके, और इस 3 को राइट में शिफ्ट कर दें उसको साइन चेंज करके। तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स इक्वल टू 17 और ये प्लस 3 बन जाएगा। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि x का मतलब होता है 1x, तो ये है 5x माइनस 1x इक्वल टू 20। अब हम एक काम करते हैं, x बाहर लिख लेते हैं, नंबर्स को अंदर लिख देते हैं। तो 5 माइनस 1 ये हो जाएगा 20, तो ये 4x इक्वल टू 20। x इक्वल टू यहाँ हमने हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 5। तो समझ आ गया होगा। तो एक और देखते हैं इसी टाइप का, जैसे 6x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 17। इसमें भी 2x को लेफ्ट में शिफ्ट करना है हमें और 5 को राइट में शिफ्ट करना है। तो 6x माइनस 2x इक्वल टू 17 माइनस 5, यहाँ पर x बाहर कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 6 माइनस 2 और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यह आ जाएगा 12। यहाँ से 4x इक्वल टू 12 या x इक्वल टू यहाँ 4 से हम डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा 3। समझ में आ गया होगा। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं तो हम उसको अभी छोड़ रहे हैं। हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जिनमें फ्रैक्शन हो, जैसे सपोज x अपान 4 माइनस 8 इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो हम क्या करें? सबसे पहले इसमें से 8 को राइट में शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा x अपान 4 इक्वल टू 1 प्लस 8 जो कि 9 के इक्वल है। और अब यहाँ x अपान 4 इक्वल टू 9 लिखा हुआ है तो ये डिनोमिनेटर में है, तो हम दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये वाला तो कंसिडर हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 9 इंटू 4 दैट विल बी इक्वल टू 36। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, x अपॉन 2
इक्वल टू एक्स अपॉन थ्री प्लस वन। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इस वाले को लेफ्ट में ले जाते हैं, एक्स वाई थ्री को। तो ये एक्स वाई टू माइनस एक्स वाई थ्री इक्वल टू वन। अब हमें टू हटाना है, तो सबसे पहले पूरे में टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टू से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स अपान टू इंटू टू माइनस एक्स अपान थ्री इंटू टू इक्वल टू वन इंटू टू। हर जगह टू से मल्टीप्लाई करना था, यहां से टू हट गया, ये बन गया x माइनस यहां से x अपान थ्री इंटू टू लिखे रहते हैं, इसको कर देते हैं टू। अब यहां से थ्री भी हटाना है, तो दोबारा हम थ्री से भी मल्टीप्लाई कर लें। तो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थ्री ऊपर आएगा, तो मल्टीप्लाई होने पर फिर ये कट जाएगा, x अपान थ्री इंटू टू इक्वल टू टू। तो थ्री से थ्री कट गया और यहाँ भी थ्री का मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारा हो गया अगला स्टेप, 3x माइनस 2x इक्वल टू 6। 3x माइनस 2x, x बाहर कर लिया जाए तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 6 और ये 1 आ जाएगा, तो 1x इक्वल टू 6। 1x को x ही लिखते हैं तो x इक्वल टू 6 आ गया। ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब हम आपको ब्रैकेट ओपन करना सिखाते हैं। जैसे 3 टाइम्स x प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1 इक्वल टू सपोज 4 है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, 3 का दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी करोगे और इसमें भी करोगे, तो यह आ जाएगा 3x प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस यहां पर 2 का इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 4। अब क्या करो, इस 6 को भी राइट में जाने दो और इस 2 को भी राइट में जाने दो, साइन चेंज कर देना और ये 3x 2x को साथ में लिख लो। तो 3x प्लस 2x इक्वल टू, यहाँ है 4, ये प्लस 2 है, ये 6 माइनस 6 हो गया, यहाँ से ये 5x बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 6 माइनस 6 होके 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू, अब 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड किया तो 0.5 जीरो होता है, 5 नहीं होता, ये बात याद रखनी है, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चंस, तो ये सॉल्व करने हैं, थोड़ा टफ है बट कोई बात नहीं। पहला सवाल है आपके लिए, 4x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 18। सेकेंड क्वेश्चन, 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2। थर्ड, 4x माइनस 5 इक्वल टू 2x प्लस 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है, इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 थ्री एक्स माइनस 5 प्लस 4 टू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 21। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम एक रूल और पढ़ते हैं, वो रूल ये है कि जब फ्रैक्शन हो तो क्या करें, सिंपल तरीका क्या होता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में जैसे हमारे पास सवाल था x बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री इक्वल टू मान लो 4, इसको सॉल्व करने के लिए पहले 2 से मल्टीप्लाई करें फिर 3 से मल्टीप्लाई। एक तरीका ये होता है, जितने डिनोमिनेटर्स हो इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, ये किसी से कटेंगे तो है नहीं, तो 2 इंटू 3 ही हो जाएगा, यानी 6 आ जाएगा। तो क्या करो, हर एक टर्म में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे कर दो x अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 6
plus x upon 3 multiplied by 6 equal to 4 multiplied by 6. यहां से ये कट जाएगा 2 से 3 जा, ये बन जाएगा 3x, यहां से 3 से कटेगा 2 जा, तो ये हो जाएगा 2x equal to 24. और आपको पता है इसमें से 3x और 2x मिलकर के 5x बन जाएंगे equal to 24. और अब इसको 5 को हटाना है तो 5 से हम डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा x equal to 24 divided by 5. इसको आगे सिंपल नहीं करना है. एक दूसरा सवाल देखते हैं इसी टाइप का. x upon 4 plus x upon 5 equal to 1. यहां पर भी पहले LCM ले लेते हैं. LCM of 4 and 5 is, आपको याद होगा तरीका, ये 20 आ जाएगा. तो हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में. तो ये 20 multiplied by x upon 4 plus 20 multiplied by x upon 5 equal to 20 multiplied by 1. यहां से ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 5x, ये बन जाएगा 4x और ये बन जाएगा 20. और 5 और 4 मिलकर के 9x बन जाएंगे equal to 20. हमें 9 हटाना है तो 9 से हम डिवाइड कर देते हैं. तो x equal to 20 upon 9 आंसर हो गया. अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस. x upon 2 plus x upon 5 equal to 1 पहला. दूसरा, x upon 5 plus x upon 10 equal to 2. तीसरा, x upon 4 plus x upon 3 equal to 3. और अगला सवाल, x upon 9 plus x upon 18 equal to 1. तो इन सवालों को आपको सॉल्व करके सॉल्यूशन मुझे भेजने हैं. थैंक यू.